अच्छा व्यवहार किया ना डॉक्टरों ने? नहीं, डॉक्टरों ने अच्छा व्यवहार किया है? आप संतुष्ट हो ना? हमारे आपसे पूछने के लिए हालचाल। मौसम में बदलाव के चलते इस समय बच्चे हों या बड़े, सभी को बुखार ने घेर रखा है। लेकिन सीतापुर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक सप्ताह के अंदर 8 बच्चों की मौतों से हड़कंप मच गया है। बुखार पीड़ित बच्चों की मौतों का सिलसिला यहां रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिला अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड बीमार बच्चों से खचाखच भरा हुआ है। यहां बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में आए दिन इजाफा हो रहा है। इसका अंदाजा अस्पताल की तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि जहां एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा है, बेडों की कमी कहें या फिर बीमार बच्चों की तादाद बढ़ने से परिजनों और जिला अस्पताल दोनों ही परेशान हैं। यहां बुखार से पीड़ित इलाज कराने के लिए एक माँ अपने बच्चे को बेड ना मिलने के कारण अस्पताल की फर्श पर ही अपने बच्चे को लेटाकर उसके बुखार को उतारने के लिए उसके माथे पर पट्टी कर रही है। जैसे ही मीडिया का कैमरा अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल प्रशासन उस बच्चे को बेड दिला देता है, लेकिन उस बेड पर पहले से ही 2 बच्चों का इलाज चल रहा था। जिला अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कराने आई महिला ने बताया कि मेरे बच्चे के 1 माह से बुखार आ रहा है, सारी जांचें भी हो गई, उसे जिला अस्पताल लाए जहां इलाज के लिए बेड नहीं मिला, बच्चे को फर्श पर ही लेटाना पड़ा। 15 मिनट तक उसकी फर्श पर ही पट्टी करती रही, उसके बाद डॉक्टरों ने बेड दिलाया, लेकिन बेड पर पहले से ही 2 बच्चों का इलाज चल रहा था। बुखार 1 महीना से नहीं आ रहा है, बहुत हम परेशान है। तो बापू ना है, हम कहाँ कहाँ ले जाए, 4 बच्चे हैं, सब बीमार पड़े हैं। जिला अस्पताल हम 7 नंबर ले गए तो कहने की जाँच कराए ला, तो कहने जाओ का कराओ जाए भर्ती। भर्ती किया? हाँ, भर्ती हो गए। बेड मिली बच्चों? बेड कहाँ मिले रहा, नीचे लिटा रहे रहे रहते थे। कोई डॉक्टर आया था? डॉक्टर ना अब आई है तब बताई नहीं, तब लाने बेड पर। कितनी देर से जमीन पर लिटा रहा था? हो गए 10-15 मिनट। किसी डॉक्टर से बताया था कि बेड का है? बेड के लिए किसी डॉक्टर से कहे रहा ना? क्या बताया गया? तो कहे ना भी रुक जा थोड़ी देर में। जमीन पर कितनी देर से इलाज चल रहा है? कोई जमीन पर कोई इलाज नहीं भाई। भैया कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई? हरिहरपुर जिला अस्पताल के प्रभारी CMS डॉक्टर DK गंगवार ने बताया कि इस वक्त मौसम में बदलाव होने के चलते बच्चों में फीवर बढ़ रहा है। बुखार के साथ मलेरिया ने भी रफ्तार पकड़ी है। मरीज के इलाज लेने पर 5 से 7 दिन तक सही हो जाता है। इस सप्ताह में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस समय फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, शिवरिंग करके जो है ठंड लग करके बुखार आ रहा है। इसमें मेजॉरिटी केसेस जो है वायरल फीवर के हैं और कुछ केसेस जो है मलेरिया टाइप के हैं। तो फीवर जब इस तरीके से मौसम जब चेंज होता है तो इस तरीके का जो है फीवर वगैरह और इस रहता है, और जनरली फीवर जो वायरल फीवर है वो 5 से 7 दिन तक रहता है। अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे कोई फर्दर जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं भी लेते तब भी वो 5 से 7 दिन में ही जाएगा। और हमारे यहाँ पेशेंट जो है इस टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं, वो पेरीफेरी में, अगर ये पेशेंट को अगर रोक लिया जाए पेरीफेरी में, अगर वहाँ के जो है डॉक्टर से जो है थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम बुखार साधारण का फिर अगर इलाज कर लें तो उसका जो है यहाँ पे रेफरल पेशेंट कम हो जाएंगे और वर्कलोड हॉस्पिटल पे कम हो जाएगा। आज की डेट में जो है 173% जो है उसकी बेड ऑक्यूपेंसी है। सर, अब तक किस मतलब कितनी डेथ हो चुकी है? डेथ क्या बहुत वो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि 8 तारीख में लगभग 9 डेथ हुई हैं कोई, और डेथ ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि इसमें वायरल फीवर में कोई डेथ वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। सर, सूत्रों से भी पता चला कि एक हफ्ते में अब तक 20 मौत हो चुकी। गलत है, सूचना गलत है। यह हाल सीतापुर के उस जिला अस्पताल का है जिसका आकस्मिक निरीक्षण अभी 4 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने किया था। व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने का दावा किया गया था।